यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू फाइव हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको कैसे बनाएंगे? तो सिंस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू फाइव गिवन दिया हुआ है, तो यहां देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव का होल स्क्वायर। टेन थीटा को ए मानेंगे और कॉट थीटा को बी मान लेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी टू इंटू टेन थीटा इंटू बी कॉट थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा अब फाइव का स्क्वायर कर देंगे 25, टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस टू और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू वन होता है इक्वल टू 25, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू वन टू इक्वल टू 25, तो दिस इंप्लाइज टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 और टू को राइट साइड में कर देंगे तो क्या जाएगा माइनस टू, तो दिस इंप्लाइज टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 25 माइनस टू कर देंगे 23, तो करेक्ट आंसर होगा 23। और 23 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ बताइए? तो ऑप्शन डी में, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। दूसरा प्रश्न है कि यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 5/2 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? कैसे बनाएंगे? तो सिंस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 5/2 दिया हुआ है, तो यहां क्या ज्ञात करना है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आएगा? जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। कॉस थीटा को ए मान लेंगे और सेक थीटा को बी मान लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, तो टू इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अब प्लस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 25/4। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/4, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/4 और 2 इंटू 1 2, तो प्लस 2 को राइट साइड में कर देंगे माइनस 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इसको सॉल्व कर देंगे 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 25 माइनस 4 टू या 8, तो कितना हो जाएगा? 25 में 8 माइनस कर देंगे तो 5 माइनस 8 होगा नहीं, तो 110 पे क्या ले देंगे 15, तो 15 माइनस 8 7, यहां 1 बचा तो 17/4, तो करेक्ट आंसर होगा 17/4। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू जाएगा 17/4, तो करेक्ट आंसर होगा 17/4। किस ऑप्शन में दिया हुआ देखिए, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। तीसरा प्रश्न है कि यदि 7 tan थीटा इक्वल टू 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय
7 sin theta plus 3 cos theta का मान क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे? तो सिंस 7 tan theta इक्वल टू 4 गिवन दिया हुआ है, तो tan theta इक्वल टू 4 और 7 को राइट साइड में कर देंगे तो भाई 7 हो जाएगा। और tan theta का फॉर्मूला होता है sin theta अब बाय cos theta इक्वल टू 4/7। इसका मतलब है कि sin theta का वैल्यू जो है 4 हो जाएगा, sin theta इक्वल टू 4 एंड cos theta का वैल्यू 7 हो जाएगा। sin theta का 4 हो जाएगा वैल्यू और cos theta का वैल्यू 7 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं कि 7 sin theta minus 3 cos theta बाय 7 sin theta plus 3 cos theta का मान क्या होगा? 7 sin theta minus 3 cos theta upon 7 sin theta plus 3 cos theta का मान क्या होगा? तो 7 और sin theta का वैल्यू 4 तो into 4 minus 3 और cos theta का वैल्यू 7 by 7 और sin theta का वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू cos theta का वैल्यू 7। तो 7 को जा कितना जाएगा? 28 माइनस 3 7 जा 21 अपॉन 7 को जा 28 प्लस 3 7 जा 21 28 में 21 घटा दें कितना बचेगा? 7 28 प्लस 21 कितना जाएगा? 49 घटा देंगे 7 कम 7 सती 49 कहने का मतलब हो गया 1/7 करेक्ट आंसर होगा 1/7। और देखिए तो 1/7 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। चौथा प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा? तो सिंस tan theta इक्वल टू a/b ये दिया हुआ है गिवन है, और tan theta इक्वल टू होता है sin theta by cos theta, tan theta का फॉर्मूला होता है sin theta by cos theta इक्वल टू a/b मींस वह sin theta का वैल्यू a और cos theta का वैल्यू b हो जाएगा। तो therefore sin theta इक्वल टू a एंड cos theta इक्वल टू b। अब क्या कह रहा है कि a sin theta माइनस b cos theta अपाय a sin theta प्लस b cos theta का मान क्या होगा? तो a इंटू sin theta का वैल्यू a माइनस b इंटू cos theta का वैल्यू b इंटू बी अपॉन ए साइन थीटा का वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू बी, तो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a sin theta minus b cos theta upon a sin theta plus b cos theta का करेक्ट मान क्या होगा? a square minus b square upon a square plus b square किस ऑप्शन में दिया हुआ? देखिए तो ऑप्शन बी में, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि यदि cot theta equal to 15/8 हो तो 2 sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 2 minus 2 cos theta का मान क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे? तो 2 plus 2 sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 2 minus 2 cos theta दिया हुआ है, तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा? 1 plus यहां बचेगा sin theta into 1 माइनस साइन थीटा अपॉन आई यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इनटू
टू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वन माइनस कॉस थीटा, टू टू कैंसिल, वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा करेंगे क्या जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा करेंगे क्या जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का आपका वैल्यू दिया हुआ है 15/8, तो 15/8 स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे तो 15 का स्क्वायर कर देंगे 15 × 15 225, 8 का स्क्वायर करेंगे 8×8 = 64, तो करेक्ट आंसर होगा 225/64। किस ऑप्शन में दिया हुआ देखिए तो ऑप्शन बी में, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।